फिर ये जो आर्मी कैंप है इसकी घास पर मोहम्मद लिखा गया है। तो आप इस वीडियो को देखना यार पूरा, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। और जब आप इस वीडियो को देख लोगे पूरा तो उसमें तो जो फालतू लोग होंगे वो मुझे कमेंट में बैश करेंगे, मुझे पता है ये, तो उसमें मेरे को ध्यान नहीं देना। लेकिन चलो, बहुत से लोग इस बात पर आमादा नहीं होते, हम इसको नजरअंदाज करते हैं। तो दोस्तों देखो, मैं बताता हूँ आपको, मैं अपने YouTube का टाइमलाइन ऐसे चेक करता था, इस तरह हर बंदा चेक करता है YouTube पर जो क्रिएटर होता है। तो मुझे एक वीडियो मेरे मतलब सजेस्टेड में आई कि फेमस गेम इंसल्टिंग इस्लाम। दोस्तों किसी गेम में या किसी मूवी में अगर किसी रिलीजन की इंसल्ट हो रही हो तो ये बात ठीक है या नहीं? यही बात अगर आप अपने मजहब पर रख के सोचो, चलो मैं तो मुस्लिम हूँ, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को पॉज कर देंगे, इस वीडियो को लीव कर देंगे, सिर्फ ये कि चलो इस्लाम है तो अच्छी बात है। लेकिन यही बात अगर आप अपने मजहब पर रख के सोचोगे तो फिर आपको शायद एहसास होगा, मेरा इस वीडियो को शेयर करना, यहाँ पर अपलोड करना, मैंने उस क्रिएटर से परमिशन ली कि मैं जो है इसको अपने चैनल पे शेयर कर सकता हूँ या नहीं। उन्होंने मुझे परमिशन दी, काफी अच्छे इंसान है। यूट्यूब ओपनर नाम का उनका चैनल है, प्लीज चेकआउट जरूर करना, वो इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं अपने चैनल पर। दोस्तों मेरा इस गेम को रिव्यू करना है, आज के इस वीडियो में इस गेम को रिव्यू करना है कि यार क्या मकसद है, क्या क्या इसमें बाकी सबूत के साथ आपको दिखाने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो सही नहीं है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे क्लैश ऑफ क्लैंस की, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि इसमें जो इस्लामिक पार्ट है वो मुस्लिम्स के लिए है, इसमें किसी दूसरे मजहब की कोई बात नहीं हो रही, इसलिए कमेंट्स में नॉन मुस्लिम्स को अब्यूज करने की जरूरत नहीं है। तो इस गेम में इस्लाम की इंसल्ट की गई है। जी हाँ, मैं खुद ये गेम 2 साल से खेल रहा था लेकिन अब नहीं खेलता। इस गेम में इल्यूमिनेटी और डेमोनिक साइंस सिंबल्स बहुत ज्यादा हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा, पूरा पैरामिड और इसके अंदर आंख बनी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल साफ साफ। ईरान में तो इस गेम को बैन भी कर दिया गया है। अब मैं ये नहीं कहूंगा ये गेम एक माइंड कंट्रोल एजेंडा है, क्योंकि आप लोग मानोगे नहीं, लोग इसके इतने एडिक्टिव हो चुके हैं कि वो इंटरनेट पर इसके तरीके तलाश कर रहे हैं कि हम इस गेम को कैसे खेलना छोड़ सकते हैं। लोगों की जिंदगियां मुतासिर हो रही हैं इस गेम की वजह से। यहां तक कि एक औरत ने इंटरनेट पर यह भी सवाल पूछा हुआ था कि मेरा हस्बैंड ये गेम बहुत ज्यादा खेलता है, मैं क्या करूं? खैर, सबसे पहले इस्लामिक पार्ट की बात करते हैं। सबसे कॉमन कहा जाता है कि टाउन हॉल 9 है, वो खाना काबे की तरह है। लेकिन चलो, बहुत से लोग इस बात पर आमादा नहीं होते, हम इसको नजरअंदाज करते हैं। फिर कहा जाता है कि ये जो बारबेरियंस हैं, ये टेरी जोन्स को मद्देनजर रखकर बनाया गया है। टेरी जोन्स वही इंसान है जिसने कुरान पाक को जलाया था, वो भी सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार। फिर ये जो आर्मी कैंप है इसकी घास पर मोहम्मद लिखा गया है। अब मुझे पता है बहुत से लोग गेम लगा कर देखेंगे, मैंने भी ऐसे ही किया था, लेकिन अब ये जितना प्रोमिनेंट पहले नजर आता था वैसा नजर नहीं आता। वो क्यों बताता हूँ। लोगों ने सुपरसेल के फोरम पर जाकर कंप्लेन की कि आर्मी कैंप से मोहम्मद का नाम हटाया जाए, तो जैसे जैसे गेम्स के अपडेट्स आते गए इन लोगों ने इसे पूरी तरह से खत्म तो नहीं किया, लेकिन इसे पहले से बहुत हल्का कर दिया ताकि सही से पता ना चल सके। फिर सुपरसेल ने क्या किया कि एक नया अपडेट लेकर आई,
वो जो बोट से कश्ती से हम दूसरी तरफ जाते हैं, वहाँ एक ग्रैंड बारबेरियन स्टैचू बनाया गया और उसके ऊपर लिख दिया गया अल्लाह। देखो जरा, ये तो साफ साफ नजर आ रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं, इससे तो आप लोग मना नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि क्लैश ऑफ क्लैंस में पाकिस्तान का फ्लैग है ही नहीं, जबकि मैंने खुद बहुत बार फीडबैक दी थी सुपरसेल को क्लैश ऑफ क्लैंस में पाकिस्तान का फ्लैग भी डालें, और यकीनन और भी बहुत से लोगों ने दी होगी, लेकिन नहीं आया। यहाँ तक कि टोन हाल 9 के बारे में भी सुपरसेल के फोरम पर जाकर लोगों ने कम्प्लेन की। अब देखते हैं इल्यूमिनाटी और डेमोनिक सिंबल्स और फेसेस। सबसे पहले बेफोमेट इल्यूमिनाटीज का खुदा, ये देखें, अगर आप इस पूरे को भी देखें तो बेफोमेट का पूरा एक फेस बनता है, और अगर यहाँ ऊपर से देखें तो ये पूरा बेफोमेट बनता है जैसे वो बैठा होता है। आप पता है कुछ लोग गेम लगा कर देखेंगे, बट अब ये भी नहीं है, वो क्यों बताता हूँ। उससे पहले आप ये देखें, यहाँ पर जो बेस पर बेफोमेट बनाया गया है उसी के सामने वाले कॉर्नर पर यहाँ डेमोनिक फेसेस बने हुए हैं, और यहाँ पर ही देखें ये आंखें आपको नजर आ रही होंगी, ये भी एक डेमोनिक फेस बना हुआ है, लेकिन ये भी अब नहीं है, बताता हूँ वो क्यों। पहले ये देखो, ये जो मोर्टर है इस पर भी एक आंख और इसके ऊपर क्रॉस लाइंस बनी हुई है, और आंख के नीचे भी एक लाइन है। लोग समझते हैं कि ये इल्यूमिनाटी साइन है, ट्रायंगल पैरामिड वाला, लेकिन ये फ्री मेसनरी वाला साइन है। ये अभी भी, ये देख लो, ये अभी भी है। अब ये बेफोमेट और ये डेमोनिक सिंबल्स क्यों हटाए गए, ये रही इसकी वजह। जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने सुपरसेल के फोरम पर जाकर इसकी कंप्लेन की, और जैसे जैसे अपडेट्स आते गए सुपरसेल ने ये हटा दिए। अब वो बेफोमेट वाली जगह पर लोग समझते हैं कि एक आंख है, पर कुछ लोग नहीं मानते इस बात को, लेकिन सिर्फ उसी कॉर्नर में ही ऐसा बनाया गया है आंख जैसा, बाकी कॉर्नर बिल्कुल ठीक है। खैर, फिर सुपरसेल एक नया अपडेट लेकर आई, वही कश्ती वाला, और सुपरसेल ये डेमोनिक सिंबल्स वहां भी ले आई। ये स्क्रीनशॉट मैंने खुद लिया है, आप खुद भी अपने गेम में फुल ब्राइटनेस करके इनको देख सकते हैं। अब ये देखें, ये गोब्लिन्स वाली साइड, अब ये जो पहला गोब्लिन बेस है, यहाँ देखें पैरामिड और इसमें आंख नजर आ रही है साफ साफ, पैरामिड और आंख बनी हुई है इसके अंदर। और सुपरसेल ने क्या किया है, एक ही सिंबल के अंदर और भी सिंबल्स को जोड़ दिया आपस में मिला मिला कर। अब आप सोच रहे होंगे इन्होंने एक सिंबल के अंदर और सिंबल्स को क्यों जोड़ा आपस में मिला मिला कर, तो दोस्तों ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को टारगेट कर रहे हैं, ना कॉन्शियस माइंड को। अभी बताता हूँ ये क्या होता है, क्योंकि इसी पैरामिड में बेफोमेट भी है। और इसी के ऊपर आप देखो अजीब से डेमोनिक फेसेस भी बने हुए हैं, और इसके ऊपर ये देखें, ये स्क्रीनशॉट मैंने खुद लिया है। उसके अलावा ये देखें, यहाँ ऊपर भी पैरामिड बना हुआ है, ये सब तो अभी भी आप देख सकते हो। अब ये देखो, अगर आप इसकी कलर भी चेंज करो और बेफोमेट और भी ज्यादा साफ नजर आएगा। और इसके अलावा इस गेम में बहुत अजीब अजीब से क्लैंस भी हैं, जैसे कि ये वाला, सबका एक ही लेवल, सबकी एक जितनी ही ट्रॉफीज डोनेशंस, सबकी बेस भी एक जैसी है, और उससे बड़ी बात सबकी जो चीजें अपग्रेड हो रही हैं वो भी सबकी सेम है, और ये जो रॉक्स हैं और ये जो पत्थर वगैरह पड़े होते हैं इन सबका पैटर्न भी इन सबकी बेसिस में एक जैसा ही है। और जरा देखो उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, वी आर द हिस्ट्री, वी आर ये वो, ये क्या है ये। इसके अलावा इस गेम में बहुत सी ऐसी बेसिस हैं जो एक आंख पैरामिड बना हुआ है, मतलब इल्यूमिनाटी साइंस बने हुए हैं,
शायद ये आम लोगों ने भी बनाया हो, लेकिन ये सब बना हुआ है। अब हम नहीं जानते कि ये गेम में क्यों बनाया गया है, जानबूझकर बनाया गया कि आम लोगों ने सिर्फ चुगल के लिए ही बनाया है। तो अब आप समझ सकते हो ये गेम क्यों दुनिया की नंबर वन गेम है और ये कैसे माइंड कंट्रोल करती है कि लोग इसको खेलना शुरू करें तो इसको छोड़ नहीं सकते। बड़ों का ये हाल है तो छोटों का क्या होगा। ये वीडियो बनाने से पहले मेरी एक सब्सक्राइबर से बात हुई, उसने भी कहा कि ये गेम मेरा एक कजन जो छोटा था बहुत ज्यादा खेलता था और वो जानता भी नहीं था कि इल्यूमिनेटी क्या होता है, और वो इल्यूमिनेटी हैंडसेट बनाना शुरू हो गया, पैरामिड बनाना शुरू हो गया, जबकि उसको पता भी नहीं था कि इल्यूमिनेटी असल में है क्या, और वो जानता भी नहीं था कि इल्यूमिनेटी क्या है। और वो पता चला कि वो क्लैन में किसी से बात करता था, अब पता नहीं वो किससे बात करता था या जो भी था, लेकिन उसके बाद उसके घर वालों ने वो गेम उसे नहीं खेलने दी और आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो ही गया। इसके अलावा लोग ये भी कहते हैं कि ये गेम सीरिया में जो जंग हो रही है उसकी अक्कासी करती है, लेकिन ये बात कितनी सच है क्या पता। अब यहीं से देख लें, ईरान ने इसे ऐसे ही बैन नहीं किया। अब इसमें इस्लाम के इंसल्ट भी हो रही है और इल्यूमिनेटी सिंबल्स भी हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को टारगेट करते हैं। अगर आप नहीं जानते सबकॉन्शियस माइंड क्या है तो मेरी एक वीडियो है इसके ऊपर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लें। मैंने तो ये गेम खेलना छोड़ दी है, ये देख लें ये मेरी गेम है लियोन के नाम से, पर अब मैं ये नहीं खेलता क्योंकि जिस गेम में अल्लाह का और हमारे नबी का मजाक उड़ाया जा रहा वो गेम कैसे खेल सकते हैं, वो तो मैं कभी भी नहीं खेलूंगा। और इसके अलावा इल्यूमिनेटी साइंस भी इस गेम में बहुत ज्यादा है। बाकी मैं आप लोगों को मना नहीं कर रहा, आप लोगों की अपनी मर्जी है, गेम खेलनी है नहीं खेलनी है आप लोगों की अपनी मर्जी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इसी हकीकत से वाकिफ हो सकें। प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इससे अवेयरनेस हासिल कर सकें, और लाइक जरूर करना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपको बता दूं कि मेरा चैनल सीक्रेट सोसाइटीज, वर्ल्ड अफेयर, मिथ्स, मिस्ट्रीज, टाइम ट्रैवल, साइंस, इन जैसी चीजों पर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, जैसा आप लोगों ने देखा प्रूफ के साथ कि वाकई इस गेम में ऐसी चीजें हैं, तो मुझे आप खुद बताएं, इस सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये वाकई ठीक है। अब इसको ठीक कैसे करना है, मेरा आज की वीडियो में मकसद यही है, आज की वीडियो बनाने का कि किसको हम ठीक कैसे करें। गेम का मैंने इसमें रिव्यू किया है, अब इसको ठीक हम ही लोग करेंगे यार। अगर आप, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर आप यही चीज अपने ऊपर रख के सोचोगे तो शायद आपको एहसास होगा। और जो लोग अगर ये करते हैं तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको जाना है क्लैश ऑफ क्लैन गेम जो है अभी जिसके बारे में रिव्यू किया है उसके फोरम पर जाना है। अगर हम ये बोल दें कि हम इस गेम को लीव कर देंगे या फिर इसमें से ये चीजें हटा दी जाए, तो ऑलरेडी जो डेवलपर्स हैं वो करेंगे, उनके गेम हम अनइंस्टॉल कर देंगे, नहीं खेलेंगे, उनका नुकसान है। और भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया हुआ है, अपडेट आते जा रहे हैं, उसमें चीजें खत्म नहीं कर रहे हैं, हल्की करते जा रहे हैं लाइट। तो दोस्तों हमें आगे कुछ करना है इसी के लिए, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि कौन कौन करने के लिए तैयार है। और दोस्तों ये टेक्नोलॉजी चैनल है मेरा और इसके ऊपर मैंने ये टैग गेम रिव्यू ही किया है, कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मैंने कोई अलग से कोई चीज उठा के डाली है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।